हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड ईयर की बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिस्ट्री, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे मौर्य डायनेस्टी, मौर्य काल यानी मौर्य साम्राज्य का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम ये देख रहे थे कि आखिरकार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे, यहाँ के शासक थे, एक शासक के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे थे। अब उन्होंने क्या है कि शासक बनने के पश्चात, यानी कह सकते हो कि जब इनका समय हम 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व का मानते हैं, तो इस समय अंतराल में हमने जो कल अध्ययन किया, आखिरकार जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो किस प्रकार से सिकंदर से मुलाकात करते हैं। सिकंदर से मुलाकात तक का हमारा हो चुका है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है अगला, हमारा जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट कौन सा है, सीमांत राज्यों पर विजय। सीमांत राज्यों पर विजय यानी जो कि मगध राज्य के सीमा के क्षेत्र में जितने भी राज्य थे उन राज्यों पर विजय अभियान किए गए, ठीक है, उन राज्यों पर विजय अभियान किए गए थे। अब यह विजय अभियान किस प्रकार से हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि यह विजय अभियान जो है वो रेगुलरली हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक आगे हो रहे हैं। अब आपको एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं, यहां पर जब सीमांत राज्यों पर विजय का हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें एक ऑप्शन चलता है कि आखिरकार जो चाणक्य है वो एक पंडित था और एक गुरु था, ठीक है, एक पंडित था और एक गुरु है, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, परंतु उनके पास कुछ भी सेना नहीं थी, क्योंकि आखिर गुरु के पास किस सेना की आवश्यकता है क्या। दूसरी बात यह की गई कि आखिरकार जब, यानी वो जो चाणक्य थे वो किस प्रकार से सेना एकत्रित कर सकते थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक स्टूडेंट था, दास था, आम व्यक्ति था, तो उसके पास भी सेना नहीं थी, पर ऐसे समय में आवश्यकता थी कि आखिरकार क्योंकि युद्ध अभियान करने, विजय अभियान करने, तो विजय अभियान के लिए उन्हें क्या चाहिए था, आक्रमण करने के लिए सेना चाहिए थी, धनानंद को परास्त करने के लिए सेना चाहिए थी। जब धनानंद को परास्त करने के लिए जब सेना चाहिए तो यह सेना कौन बना रहा है, यह सेना कौन बना रहा है, यहां पे हमारा क्वेश्चन अगला उठ जाता है कि सेना का निर्माण किसने किया, ठीक है, सेना का निर्माण किसने किया है। यहां पर हम एक्सप्लेन कर देते कि सेना का निर्माण कैसे हुआ है। यहां पर स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क मुख्य रूप से उल्लेख करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का, ठीक है, जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रेबो ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कैसी थी। तो इन लोगों के अनुसार जो चंद्रगुप्त की सेना थी वह सेना थी, कुल सेना कितनी है, 6 लाख। सेना में कुल कितने लोग हैं, 6 लाख लोग थे। कितने लोग थे, 6 लाख लोग थे सेना में। और सेना के अतिरिक्त, हम बात करें कि उसका सहयोगी का भी नाम मिलता है, उसके सहयोगी राजा कौन थे, तो उसका जो सहयोगी राजा था उसका नाम मिलता है पर्वतक, राजा पर्वतक, सहयोगी राजा थे राजा पर्वतक। अब यहां पर बात की गई कि आखिर क्या 6 लाख सेना, इतनी बड़ी सेना न तो राजा पर्वतक के पास थी ना और किसी के पास, तो आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से सेना का गठन किया, तो जस्टिन प्लूटार्क ये बताते हैं कि आखिरकार डकैत, लुटेरे, चोर, इनको मिलाकर सेना का निर्माण किया गया। डकैतों, लुटेरों और चोरों को मिलाकर सेना का निर्माण किया गया था। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार इनमें क्यों, इसमें एक और नाम जोड़ा, जनजाति,
जो जनजातियां थी ना उन लोगों को शामिल किया गया सेना में। अब क्वेश्चन यह उठता है कि आखिरकार जब यानी ये सेना गठित की गई या जब इस सेना का निर्माण किया गया तो इस सेना के निर्माण के पश्चात किस प्रकार से अन्य कार्य किए गए। तो मैं यहां पे आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि एक राज्य होता है, एक राज्य को चलाने के लिए अर्थशास्त्र के अनुसार बता रहा हूं यहां की बात कि अर्थशास्त्र में राज्य की क्या बताई गई बात कि राज्य को चलाने के लिए तीन चीजें जरूरी है, तीन चीजें जरूरी है, एक साहस, एक बुद्धि और एक नेतृत्व। ठीक है, एक लीडरशिप, साहस, ब्रेवरी और बुद्धि, मतलब ब्रेन, जिसके पास दिमाग हो। ब्रेन किसके पास होता है, दिमाग किसके पास होता है, वो मंत्रियों के पास होता है। एक राज्य को चलाने के लिए जो ब्रेन है वो कहां से मिलेगा, बुद्धि कहां से मिलेगी, ये दिमाग लगाने का काम कहां का है, दिमाग लगाने का काम है मंत्रियों का। ठीक है, वहीं पर नेतृत्व लीडरशिप का काम किसका है, राजा का। लीडरशिप कौन करता है, राजा, चाहे कितने मंत्री हो वो उनकी लीडरशिप करता है। ठीक है, अब बात की साहस, साहस का काम किसके पास में है, तो साहस का काम करती है सेना, सेना होती है, पुलिस होती है, वो इसके अंतर्गत आते हैं साहस ब्रेवरी के लिए। ठीक है, अब हम यहां पे बात करते हैं ये तीन चीजें मिलकर क्या है, शासन चलाती है। इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य में लीडरशिप थी, चाणक्य के अंदर ब्रेन था, और जो यह लोग हैं डकैत लुटेरे चोर जनजाति इन सब में ब्रेवरी थी यानी वीरता या साहस था। एक्सप्लेन करता हूं यहां पर कैसे था। इनमें नेतृत्व वाली बात मैं क्लियर कर चुका हूं और कौटिल्य की बुद्धि के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है नहीं। तो आखिरकार इन लोग चोर लुटेरे डकैत ये तो वीर होते हैं, कैसे होते हैं, साहस कैसे होता है इनमें, आपको एक चीज बताता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब वो सेना गठित करता है तो वो कहीं का राजा नहीं था, एक स्टूडेंट था। वहीं पर दूसरी ओर हम देखते चाणक्य, तो चाणक्य भी क्या है कि एक अध्यापक, उसके पास भी धन नहीं है। आखिरकार अगर वो सेना गठित करे तो या फिर तो पैसे देके रखे और या फिर उनके पास कोई राज्य होना चाहिए, तब सेना गठित की जा सकती है। परंतु उनको तो सेना में गठित करने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ा। कैसे जो डकैत होते हैं, चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, जनजातीय लोग होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये रिस्क पर काम करते हैं, ये संकट पर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं संकट पर, कि यह लोग स्पष्ट तौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए कार्यरत नहीं होते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए कार्यरत नहीं होते हैं। आपको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं आखिर कार्यरत किस प्रकार से नहीं होते, क्योंकि आप देखें चोर है, किसी के घर में चोरी करेगा या कहीं पर भी चोरी करेगा तो ये जरूरी नहीं है कि उसे ये पता है, थोड़ी होता संरक्षण, वो बोलता है यहाँ पर धन है, वो घर देखिए अंदर लगाता है यहाँ पर मुझे लगभग इतना मिल सकता है, वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिले, दोनों काम होते हैं। डकैत भी डकैती इस हिसाब से डालता है, चलते फिरते लोगों पर डकैती डालता है, किसी के पास सोना मिल जाता है, किसी के पास कुछ नहीं प्राप्त होता। ठीक है, तो वो रिस्क पर काम करते हैं, उनका जोखिम होता है कि आखिरकार उन्हें क्या प्राप्त होगा क्या प्राप्त नहीं होगा। दूसरा उनका जोखिम होता है जान का या पकड़े जाने का। ठीक है, तो वो जोखिम वो उठाते हैं। अब बात की मैंने जनजाति की, अब जनजातियां जो क्या जंगलों में निवास कर रही है और वो प्रकृति पे ज्यादा निर्भर रहती है, तो आखिरकार वह भी प्रकृति के साथ संघर्ष करती हुई जोखिम उठाती है। तो इस प्रकार जनजातीय जो डकैत है, लुटेरे है, चोर है, इनको मिलाकर एक सेना गठित की गई और इस सेना को गठित करके प्रशिक्षित किया गया। अब जो स्टोरी एक बीच में ये मिलती है कि कई बार क्या है, हम स्टोरी की बात कर लेते हैं पहले कि सीमांत राज्य पर विजय से पहले हम बात करते हैं आखिरकार इससे पूर्व क्या हुआ। जब उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेना गठित की तो इन सैनिकों के साथ में क्या है, वो सीधा पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर देता है। कई इतिहासकार ये बोलते हैं कि उसने पहले पाटलिपुत्र को जीता, पाटलिपुत्र में जीतने के बाद में उसने सीमांत क्षेत्र को जीता, जबकि यह संभव नहीं है, जबकि यह संभव नहीं है। जब यह हुआ कि आखिरकार वह सीधा पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है, सेना लेकर पहुंच जाता है, उधर धनानंद भी सेना लेकर आ जाता है, दोनों की सेनाएं आमने सामने होती है और भीषण युद्ध होता है। परंतु धनानंद की सेना क्या है, जीत जाती है, युद्ध में धनानंद की सेना विजयी
हो जाती है और जो चंद्र मौर्य की सेना थी वो भाग जाती है, चंद्र मौर्य की सेना भाग जाती है। तो उसके बाद में ये होता है कि जो चंद्र सेना भाग जाने के बाद में जो चंद्रगुप्त है और चाणक्य है वो दर दर भटकते हैं, वो एक दूसरे की अपरक्षा के लिए भटकना शुरू कर देते हैं, भेष बदल लेते हैं। ऐसे समय में क्या है, बरसात का समय आया, बरसात के समय में जैसे बरसात होने लगी रात को, तो वह किसी कुटिया की छांव के नीचे खड़े हो गए, कोई झोपड़ी थी उसके पास जाके खड़े हो गए ताकि बरसात में ना भीगे, बरसात में ना भीगने के कारण खड़े हो गए। और इस कथा का उल्लेख है ना जैन ग्रंथ भी कर रहे हैं, बौद्ध ग्रंथ भी कर रहे हैं, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। अब इनमें उल्लेख क्या मिलता है, जैन ग्रंथ तो खीर का उल्लेख कर रहे हैं जबकि बौद्ध ग्रंथ दलिया या रोटी का उल्लेख कर रहे हैं, दलिया या रोटी ये बताते हैं दोनों, बस इतना ही अंतर है, चीजें खाने की चीजें अलग बताई गई है, स्टोरी लगभग वही है। वो वहां पे खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया खाना पका रही है, खीर पका रही थी, और खीर पकाते पकाते क्या है कि उसका बेटे को भूख ज्यादा लग रही थी, और भूख ज्यादा लग रही थी तो वो अपनी माँ से जल्दीबाजी कर रहा था, माँ मेरे को खाना डालो और मुझे भूख लग रही है। खीर पकने के बाद में उसने, उसकी माँ ने उसे खीर परोसी एक प्याले के अंदर, प्याले के अंदर खीर परोसी, तो उसने क्या है भूख के मारे क्या जल्दी से क्या बीच में हाथ दे दिया, खीर के कटोरी के बीच में हाथ दिया, जिससे क्या उसका हाथ जल गया, उसका हाथ जल गया। तब वो बुढ़िया बोलती है कि आखिरकार तुम भी चंद्रगुप्त और चाणक्य की तरह मूर्ख हो क्या, किनारे किनारे से खाने के बजाय सीधा बीच में से खाना शुरू कर दिया, बीच से खाओगे तो जलोगे ही। इससे उन्हें यह सीख मिली कि हम सीधा केंद्र की ओर आक्रमण करेंगे तो हम हारेंगे ही हारेंगे। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको कैसे, कि मुझे बताओ ये मगध का राज्य है, वह तक्षशिला से सेना लेकर आ रहा है, तक्षशिला से सेना लेकर मगध आ रहा है। अब पंजाब से लेकर बिहार तक का क्षेत्र किसके अधीन है, धलालल के अधीन है। अब उसे यहां पर आने दिया गया और यहां आकर युद्ध कर रहा है। अब इस मगध राज्य को सूचना भी पहले मिल गई और आसपास के क्षेत्रों से सहायता भी मिल जाती है, इतना समय मिल जाता है क्योंकि वह आसपास की सहायता, पंजाब के क्षेत्र को उसने नहीं जीता, हरियाणा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को नहीं जीता, राजस्थान के क्षेत्र को नहीं जीता, मध्य प्रदेश के क्षेत्र को नहीं जीता, और आसपास के क्षेत्रों को न जीतकर वो सीधा मगध पे आ रहा है। तो धनानंद ने क्या उसे आने दिया गया और बीच चक्रव्यूह में लाकर उसको पराजित कर दिया। अब क्या है कि जब ये कथा सुन लेते हैं कि आखिरकार बुढ़िया बोलती है कि तुम भी धनानंद और धनानंद के साथ में ऐसी यानी मूर्खता कैसे दिखा सकते हो कि तुम सीधा ही आक्रमण कर रहे हो जबकि तुम्हें किनारे के प्रदेशों को जीतना चाहिए, सीमांत क्षेत्रों को जीतना चाहिए। तब हमें यह उल्लेख मिलता है कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले सीमांत राज्यों को ही जीता होगा क्योंकि संभव नहीं था सीधा मगध की सत्ता पर आक्रमण करना और सीधा मगध के राज्य को जीतना, सीधा मगध के राज्य को नहीं जीता जा सकता था, सीमांत राज्यों पर विजय प्राप्त करना पहले आवश्यक था। तो यह कथा भी यह बताती है कि आखिरकार सीमांत राज्यों पर पहले विजय प्राप्त की गई। अब क्या है कि उसने क्या किया कि 323 ईसा पूर्व में जैसे ही सिकंदर की मृत्यु हुई तो यूथिडेमस यहां पर एक यानी उस समय का यूनानी था यहां पर निवास कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, यहां तक का उल्लेख मिलता है, इसके बाद में उसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहां पर यह बात की गई कि 323 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व के बीच में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने सीमांत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की होगी और सीमांत क्षेत्रों को जीता होगा। सीमांत क्षेत्रों को जीतते जीतते वह राजा पर्वतक के पास पहुंचे और राजा पर्वतक से सहायता मांगी, किसके लिए, युद्ध के लिए सहायता मांग रहा है और किससे मांग रहा है, राजा पर्वतक से। राजा पर्वतक राज्य कहां करते, हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में राजा पर्वतक राज्य कर रहे थे, उनसे सहायता मांगता है किस चीज के लिए, धनानंद पर आक्रमण करने के लिए। अब राजा पर्वतक क्यों देगा सहायता, तो उसको लोभ दिया जाता है कि अगर आप हमारी सहायता करेंगे, अगर आप हमारी सहायता करेंगे तो हम आपको आधा राज्य प्रदान कर देंगे, आधा राज्य का लोभ दिया गया और इस प्रकार क्या है या फिर बोला गया कि आपको मगध का राजा बना दिया जाएगा। तो राज्य के लोभ में वह है यह काम करता है। अब क्या है कि धनानंद
पर आक्रमण करने के लिए पहले सीमांत क्षेत्र को जीत लिया। अब सीमांत क्षेत्र कौन कौन से, पंजाब हरियाणा ये आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली गई। और विजय प्राप्त करके राजा पर्वतक से संधि कर ली, राजा पर्वतक से संधि हो गई और उधर इनसे गठजोड़ बैठ गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, आखिरकार अब हम बात करते ना कि राजा पर्वतक के साथ संधि हो चुकी है तो अब क्या हुआ, राजा पर्वतक के आसपास के सीमांत क्षेत्र को जीत लिया, पंजाब के आसपास के क्षेत्र को जीता और उसके पश्चात वह राजा पर्वतक से संधि करता है। तो यहां पर अगला जो छठा पॉइंट है वो है राजा पर्वतक से सहयोग, राजा पर्वतक से सहयोग यानी राजा पर्वतक से सहायता मांगी गई। राजा पर्वतक, पहली बात बतानी है आपको कि राजा पर्वतक कहां के राजा है, हिमालय क्षेत्र के राजा है और उन्होंने क्या है कि अपने राज्य में आने दिया गया, उनसे बातचीत हुई, बातचीत में डिसाइड हुआ कि वह उनकी सहायता करेंगे और राज्य का लोभ उन्हें दिया गया, यानी राज्य का लोभ उन्हें दिखाया गया कि आखिरकार आपको राज्य प्राप्त होगा, जिसमें से कुछ लोग तो आधा राज्य बता रहे हैं और कुछ लोग पूरा, ठीक है, कुछ लोग बता रहे हैं कि वो मगध का राजा बन जाएगा आगे जाके, या फिर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि उसको आधा राज्य प्रदान कर दिया जाता था, इसलिए वह युद्ध के लिए तैयार हो गया और चंद्रगुप्त और चाणक्य के पक्ष में आ गया। यह बात राजा पर्वतक के लिए की जाती है कि राजा पर्वतक ने इस लोभ में आकर जो है हामी भरी किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। अब हम आगे बात करते हैं, पांच पॉइंट हो गए हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के, अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि राजा पर्वतक का सहयोग मिल चुका है, इसके बाद में उसने और क्या किया। अगला पॉइंट है धनानंद से युद्ध, धनानंद से युद्ध व धरान से युद्ध व राजगद्दी प्राप्ति, ठीक है, इसी हमें हम दोनों टॉपिक साथ कर लेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि आखिरकार धरानंद को युद्ध में पराजित कैसे किया और राजगद्दी की प्राप्ति किस प्रकार हुई। यहां पर राजा पर्वतक प्लस चाणक्य प्लस चंद्रगुप्त मौर्य, ये तीन लोग थे, राजा पर्वतक, चाणक्य और चंद्रगुप्त वर्सेस, यानी अब विपरीत में कौन खड़ा है, विपरीत में है भद्दसाल प्लस राक्षस प्लस धनानंद, ठीक है, आप इस चीज को समझे कि धनानंद है पूर्व राजा या फिर कह सकते हो नंद राजा, ठीक है, नंद वंश का राजा था, पूर्व राजा था, और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, मौर्य राजा बनता है आगे जाकर और मौर्य का प्रथम राजा है और किसको पराजित करता है, धनानंद को पराजित करता है, तो ठीक है, यहां पर ये ध्यान हो गई, बात हो गई कि आखिरकार राजाओं के मध्य युद्ध है धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य। अब राक्षस कौन है, राक्षस धनानंद का पुरोहित है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, राक्षस कौन है, यह प्रधानमंत्री है और पुरोहित है। चाणक्य कौन है,
चंद्रगुप्त मौर्य का पुरोहित है, प्रधानमंत्री आगे जाके बनता है, यानी गुरु। चंद्रगुप्त के गुरु कौन है? चाणक्य। दयानंद के गुरु कौन है? राक्षस। राजा पर्वतक सहयोगी के तौर पर भाग लेता है। यहीं पर जो बद्धसाल है वो कौन है? दयानंद का सेनापति है। बद्धसाल जो है वो दयानंद का सेनापति था, और राजा पर्वतक जो है वो राजा पर्वतक कौन है? आखिरकार वह भी सेना का सहयोग देते हैं। एक प्रकार देखा जाए तो सेना और सेना, गुरु और गुरु, राजा व राजा, तो इस प्रकार से देखा जा सकता है। साहस, बुद्धि, नेतृत्व, यह आपस में लड़े, यानी तीनों चीजें आपस में लड़ी। इस युद्ध में यह तीनों चीजें लड़ी, और यह युद्ध कब हुआ? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में, कई इतिहासकार 321 ईसा पूर्व कहते हैं। कई इतिहासकार क्या बोलते हैं? 321 ईसा पूर्व कहते हैं। परंतु क्या है कि पुराणों के अनुसार जब बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक शासन किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन किया, तो जब इसकी लास्ट डेट 298 ईसा पूर्व निकलती है, लास्ट डेट 298 ईसा पूर्व जब निकालते हैं, तो आखिरकार वो 24 साल का समय हमारा नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। इसलिए क्या है कि लोग मानते हैं कि 321 ईसा पूर्व ना होकर 322 ईसा पूर्व रही होगी। पर आजकल कंपटीशन क्लासेस में क्या है, या कंपटीशन में क्या 321 ईसा पूर्व को ज्यादा सही माना जाता है, परंतु मेरे ख्याल से 322 ईसा पूर्व ही अच्छी डेट है। 322 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ। अब यह जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में आखिरकार निर्धारित क्या होता है कि आखिरकार यह आपस में लड़ते हैं। विशाल चक्रव्यूह रचा जाता है, विशाल चक्रव्यूह रचकर आपस में लड़ाइयां होती हैं। जब यह युद्ध चल रहा था, लगातार यह युद्ध चल रहा था, तो आखिरकार इस युद्ध में पराजय हो जाती है दयानंद की। कहा जाता है कि इस युद्ध में ही दयानंद मारा भी जाता है। अब दो तरह की बातें चलती है कि पराजय तो पक्की बात है कि आखिरकार दयानंद की हो चुकी है, पर कई लोग ये बोलते हैं, कई इतिहासकारों मत है कि दयानंद को इसके बाद में जीवित छोड़ दिया गया था। ठीक है, क्या बोला जाता है कि दयानंद को इसके बाद में जीवित छोड़ दिया गया था, उसको मारा नहीं गया था दयानंद को, दयानंद जीवित ही रहा। ठीक है, अब दूसरी बात यह की गई कि आखिरकार दयानंद को जीवित छोड़ा रखा, तो फिर दूसरी बात क्या है कि दयानंद को जब जीवित है, दयानंद को नहीं मारा गया, तो फिर किया क्या गया? तो वो इतिहासकार ये बोलते हैं दयानंद की जो पुत्री थी उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया, और यह उल्लेख मिलता है कि आखिरकार उसके कई विवाह किए हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दयानंद की पुत्री से विवाह कर लिया और उसको उसके राज्य से निष्कासित कर दिया। दयानंद को उसके राज्य से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित करने के बाद में दूसरी बात हो गई कि आखिरकार दूसरा मत यह है कि दयानंद को पकड़ लिया गया युद्ध में और उसको मार दिया गया, क्योंकि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के प्रण को पूरा कर दिया था। चाणक्य के प्रण को पूरा करने के लिए उसने दयानंद को मार दिया था युद्ध में, और उसके पश्चात ही वह गद्दी पर बैठता है। अब पैराग्राफ चेंज करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह भारत का प्रथम केंद्रीय शासक 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। 322 ईसा पूर्व में मगध का राजा कौन बन जाता है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को गद्दी पर कौन बैठाता है? चाणक्य। चाणक्य खुद क्या बन जाता है? पुरोहित या प्रधानमंत्री। चाणक्य जब उसे गद्दी पर बैठाता है तो खुद की पोस्ट क्या रखता है? प्रधानमंत्री या पुरोहित की वो पोस्ट रखता है खुद के लिए। फिर हम इसके आगे की बात करते हैं, प्रधानमंत्री और पुरोहित की जब वो अपनी पोस्ट रखता है तो फिर उसके बाद में उसने किया क्या है। अब जब चाणक्य पुरोहित और उनकी जब पोस्ट रखता है तो उसके बाद में उसने क्या किया कि उसने चाणक्य ने बहुत स्पष्ट तौर पे यह निर्णय लिया कि आखिरकार मुझे अब इस राज्य को सुदृढ़ करना है। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राज्याभिषेक करवाते ही उसके कार्यभारों के बारे में उसे बता दिया कि आखिरकार तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना है। और चाणक्य ने बहुत अच्छी लीडरशिप के साथ में क्या है उसको, चंद्रगुप्त मौर्य को जब गद्दी में बैठाता है 322 ईसा पूर्व में, तो उसको भारत का राजा घोषित करता है, न कि मगध का राजा घोषित करता है। तो इस प्रकार भारत का राजा। अब यहाँ पर दूसरी स्टोरी क्रिएट होती है। एक दूसरी स्टोरी कहाँ क्रिएट हो रही है? यहाँ पर क्रिएट होती है अब राजा पर्वतक के बारे में। ठीक है, क्योंकि आखिरकार हम बात कर चुके हैं ना कि राजा पर्वतक भी तो शामिल है। यहाँ पर बद्धसाल मारा जाता है, राक्षस मारा जाता है, दयानंद मर जाता है,
और वो तीन लोग जीवित हैं और भद्दशाल यानी जब मर जाता है सभी सेना सब खत्म है तो सेना खत्म होने के बाद में अब राजा पर्वतम ने जो सहयोग किया था और उसे वादा किया गया था कि राज्य दिया जाएगा या फिर आपको मगध का राजा बनाया जाएगा ठीक है। अब दिक्कत होगी कि राजा पर्वतक तो क्योंकि वो वादा तो पूरा करवाएगा ना क्योंकि उसने वादा किया था आपने कि आखिरकार ये मिलेगा और जो चाणक्य है वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वह राजा पर्वतक को किसी भी प्रकार से सत्ता का भाग दे या सत्ता ही प्रदान कर दे यानी राजा पर्वतक को वह सत्ता प्रदान नहीं करना चाहते थे और न ही उन्हें क्या है सत्ता में सहयोग देने की इच्छा रखते थे तो सत्ता में उनको कोई भाग देने की उनकी इच्छा थी नहीं और इसी कारण क्या है वह आगे से आगे यह काम करते रहते। इसके आगे की बात करते हैं हम कि जब वो उन्हें सत्ता में सहयोग नहीं देना चाहते क्योंकि सत्ता वो क्योंकि चाणक्य का स्वप्न था ना कि अखंड भारत का निर्माण करेगा। चाणक्य तो ये सोच के बैठा था ना अखंड भारत का निर्माण करेगा और किसकी लीडरशिप में करेगा चंद्रगुप्त मौर्य की लीडरशिप में करेगा। चंद्रगुप्त मौर्य लीडर होगा और उसी की लीडरशिप में क्या है वह एक अखंड भारत का निर्माण करवाएगा। तो राजा पर्वतक एक समस्या बन गया था कि वह अखंड भारत नहीं भारत के टुकड़े करवा देगा और इससे क्या है टुकड़े होंगे तो मेरा सपना पूरा नहीं होगा और मगध का राज्य मैं बांटना नहीं चाहता। तो एक बात कही जाती है कि चाणक्य जो है उसकी बहुत गंदी आदत ये थी कि वो गंदी क्या मैं तो बहुत बोलूंगा बहुत अच्छी थी वो तो पॉजिटिव पर्सन है एक तरह से कि वह चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है प्रतिदिन विष देते थे यानी उसे विष खिलाते थे विषैले बेरों का सेवन उसे रोजाना करवाया जाता था खाने में उसे प्रदान किया जाता था ये विषैले बेर क्योंकि उस समय विष कन्याओं का बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है कि विष कन्याएं राजा को मारने के लिए भेजी जाती थी। अब वह चंद्रगुप्त मौर्य को मरने नहीं देना चाहता था तो उसने क्या विष देना शुरू किया और इसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य को पता नहीं था कि आखिरकार उसे विष दिया जा रहा है ताकि वह क्या हो कि पॉइजन प्रूफ यानी पॉइजन उस पर किसी भी तरीके से असर ना करे इसलिए वह दिया जाता था। चाणक्य ने छिपाकर ये चीजें उसे देनी शुरू की उसे पता नहीं था। तो आखिरकार क्या है कि चाणक्य चाहता था कि किसी प्रकार से ये सुरक्षित रहे चंद्रगुप्त मौर्य सुरक्षित रहे। तभी बात यह होती है कि जो धनानंद की एक विष कन्या थी वह चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने आती है और चंद्रगुप्त मौर्य को यानी स्पर्श करती है क्योंकि कहा जाता है विष कन्या जब स्पर्श करती थी या किसी प्रकार से वो अगर नाखून भी लग जाता था तो उसके प्रभाव के कारण व्यक्ति मर जाता था परंतु चंद्रगुप्त मौर्य को जब ऐसा कुछ लगा तो उसको क्या है कि उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा परंतु चाणक्य गुस्सा का हो गया था क्योंकि आखिरकार वो जानते थे कि यहाँ पर विष कन्याएं रखी जाती थी तो उन्होंने क्या है कि उस विष कन्या को चंद्रगुप्त मौर्य का कक्ष न बताकर उस विष कन्या को राजा पर्वतक के कक्ष में भेज दिया गया। राजा पर्वतक के कक्ष में भेजा गया तो वहां पर विष कन्या ने क्या है राजा पर्वतक की हत्या कर दी। इस प्रकार क्या है कि विष कन्या के माध्यम से राजा पर्वतक की हत्या की गई जबकि विष कन्या को यह भ्रम रहा कि वह चंद्रगुप्त की हत्या करने जा रही है तो चंद्रगुप्त की बजाय वह किसकी हत्या कर देती है वह राजा पर्वतक की हत्या कर देती है। इस प्रकार राजा पर्वतक की हत्या हो जाती है। राजा पर्वतक की हत्या होने के बाद में अब सत्ता किसके हाथ में है अब केवल सत्ता किसके हाथ में रहेगी चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में रहेगी। अब राजा पर्वतक को तो डायरेक्टली मारा ही नहीं गया है एक तरह से देखा जाए तो विष कन्या भेजी गई और सारा आरोप किस पे लगा दिया गया कि जो नंदवंश के लोग जो नंदवंश के शासक के जो पक्ष में रहने वाले लोग थे उन लोगों ने इस विष कन्या को भेजा है। धनानंद तो मर गया पर उसके कुछ स्वामी भक्त भी रहे होंगे तो उन स्वामी भक्तों ने क्या है इस विष कन्या को भेजा था और इस विष कन्या ने राजा पर्वतक को मार दिया। तो इस प्रकार क्या है एक कुटिल चाल चली गई चाणक्य द्वारा और उससे क्या है राजा पर्वतक को न तो राज्य दिया गया न राज्य का बंटवारा हुआ और यहां तक कि उसके राज्य को भी जीत लिया गया। आखिरकार राजा पर्वतक मर चुका है तो इस प्रकार क्या है मगध का राज्य में पर्वतक का राज्य भी सम्मिलित हो जाता है और पर्वतक का राज्य सम्मिलित होने से यह साबित हो गया कि आखिरकार कौटिल्य किसी प्रकार से किसी भी स्थिति में भारत के टुकड़े नहीं करने देना चाहता था। इसके बाद में उसका स्पष्ट यानी यह रहा कि वह जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको गाइड करता है कि आखिरकार आप किसी भी प्रकार हो येन केन प्रकार यानी किसी भी प्रकार से आप क्या है विजय अभियान करें और विजय अभियान करने के लिए आपको है आक्रमण करने होंगे और अब क्या है कि जो
चाणक्य है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि आखिरकार अब आप ना रेगुलरली क्या करें कि एक सेना गठन करें, सेना का गठन कर ले। अब जो जस्टिन ने 6 लाख की सेना बताई है, ठीक है, तो यह बातें जब बताई गई तो इसमें क्या बात की गई कि आखिरकार 6 लाख की सेना है, अब इतनी विशाल सेना तो लुटेरों डकैतों की हो नहीं सकती। तो यहां पर क्या है कि जैसे ही राजा बना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत विजय के लिए एक विशाल सेना एकत्रित कर ली। अब इस विशाल सेना के नेतृत्व के द्वारा वह भारत विजय के लिए निकलता हूं। अब हम करें कि अब हमारे क्वेश्चन ये उठता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितना था, तो उससे पहले एक पॉइंट और उठता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विदेशी आक्रांता को परास्त किया था, विदेशी आक्रांता को परास्त किया था। ये विदेशी आक्रांता कौन है? यदि विदेशी आक्रांता है सेल्यूकस निकेटर। कौन है? सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? ये सेल्यूकस निकेटर वह व्यक्ति है जो कि भारत में सिकंदर के साथ आया था, वह एक सिकंदर का सेनापति भी काम कर चुका है, सेनापति के तौर पे काम किया उसने, भारत में आक्रमण के समय वह आ चुका है ऑलरेडी, तो एक तरह से वह भारत की स्थिति को बहुत अच्छे से जानता था। सेल्यूकस निकेटर क्या भारत की स्थिति को बहुत अच्छे से जानता था, पहले आ चुका है। और इसी प्रकार से क्या हम ये बात कर सकते हैं कि आखिरकार जो सेल्यूकस निकेटर आया और उसने आक्रमण किया तो उसने किस प्रकार से, पूर्व स्थिति का ज्ञान था, भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था, सिकंदर का उत्तराधिकारी था नहीं, सिकंदर की मृत्यु के बाद में जो उसका साम्राज्य है सेनापतियों में बट गया, और सिकंदर की मृत्यु के बाद सेनापतियों में बटने के बाद में वो साम्राज्य को अलग अलग सेनापति संभालने लग गए। सेल्यूकस निकेटर ने क्या है कि उन सेनापतियों की हत्याएं करके एक छत्र राज्य अपने अंडर कर लिया, और फिर आगे जाकर वह क्या है भारत पर आक्रमण करता। इस प्रकार ये हम कल पॉइंट करेंगे